यहाँ पर काफ़ी सारे व्यक्ति को प्रोफेशनल मूड देखने के लिए मिल गई है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने प्रोफेशनल मूड को ऑफ कर दिया, उसके बाद मैं किस तरीके से इसे ऑन कर सकता हूँ, तो मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरा काम पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फेसबुक पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं अपने प्रोफाइल पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे पूरी तरीके से प्रोफेशनल मूड का ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है। आप यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको भी इसी तरीके से देखने के लिए मिल रही होगी, अगर आपको प्रोफेशनल मोड देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक मैसेज देखने के लिए मिल रहा है, टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, रिव्यू इंपॉर्टेंट चेंज बिफोर यू टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, इफ यू चेंज योर माइंड यू कैन टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड एनी टाइम। यहाँ पर अगर आपका माइंड किसी भी तरीके से चेंज होती है तो आप फिर से प्रोफेशनल मोड में आ सकते हो, यहाँ पर पहले से मैसेज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यू पर इस तरीके से क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं टर्न ऑफ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं टर्न ऑफ पर क्लिक तो ये पूरी तरीके से टर्न ऑफ हो गई है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस तरीके से रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा पहले जिस तरीके से देखने के लिए मिलता था ओल्ड प्रोफाइल, उसी तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर मेरा फॉलोअर्स भी 200 कम गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जब भी प्रोफेशनल मूड देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स भी ऐड होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर जब मैं प्रोफेशनल मूड ऑन करता हूँ तो मुझे 1500 कुछ फॉलोअर्स देखने के लिए मिलते हैं, जबकि यहाँ पर इस तरीके से क्लासिक प्रोफाइल में यहाँ पर 1300 इस तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि पूरी तरीके से तो यहाँ पर क्लासिक मूड में चेंज हो गई है। तो यहाँ पर मैं तीन डॉट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। तो यहाँ पर ये ऑप्शन काफ़ी सारे व्यक्तियों का गायब हो गई है बंद होने के बाद। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जिसका भी गायब हो गई है वो अपने फेसबुक अकाउंट को अपडेट कर ले, अपडेट करने के बाद फिर से अकाउंट को लॉगिन करे। अगर लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको देखने के लिए नहीं मिलता तो आप 7 डेज वेट कर लो, उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने के लिए खुद ब खुद मिल जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर लेना टर्न ऑन करने के लिए, आपको सिंपल से इस तरीके से टर्न ऑन पर क्लिक कर लेनी है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगी और आपका फिर से यहाँ पर इस तरीके से पूरी तरीके से आपका है जो प्रोफेशनल मोड यहाँ पर ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि व्यू टूल्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर पूरी तरीके से मेरा जो प्रोफेशनल मोड में चेंज हो गई है। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जो मेरा फ्रेंड भी है वो भी यहाँ पर फॉलोअर्स में ही ऐड होते हुए दिखते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ही बेहतरीन लगते हैं ये कि फॉलोअर्स भी यहाँ पर इस तरीके से ही देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर यही मुझे बहुत बढ़िया लगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स को भी फॉलोअर्स के टाइप पर दिखाती है। तो यहाँ पर अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।